नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित आश यादव। आज कुछ ऐसे मीम कॉइन्स की चर्चा कर लेते हैं जो देखिए अभी बाइनेंस पर आए नहीं है और आ भी सकते हैं कभी भी, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। तो चलिए बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं पहले टोकन से। पहले टोकन से पहले थोड़ी सी और बात करते हैं कि जो आ चुके हैं क्या उनमें कितनी संभावना है। जैसे आपका देखिए बॉम्ब लिस्ट हो चुका है, ठीक है, सिवाइनू की तो बात ही नहीं करते, वो तो खैर बहुत पहले कहानी खत्म हो चुकी है। फ्लोकिनो जो अभी रिसेंटली हुआ है, पेपे जो रिसेंटली हुआ है, तो ये जो अभी आपने देखे तीन जो अभी जल्दी में हुए, तो उनमें जो होना था देखिए फिलहाल हो चुका है, बाइनेंस लिस्टिंग हो चुकी है, मतलब वो टॉप मोस्ट एक्सचेंज पर आ चुके हैं। अब रह गए और बाकी एक्सचेंज, तो उन पर वो धीरे धीरे आते रहेंगे, लेकिन उनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। एक जो स्पाइक का हम जो उम्मीद लगा के बैठे हैं या रखते हैं वो केवल बाइनेंस से रखते हैं कि वो आखिर टॉप एक्सचेंज है अपनी इंडस्ट्री का। लेकिन आजकल वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका पड़ गया है साहब, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है, आता है लेकिन उतना नहीं आता जितना पहले आता था। तो वो बहुत सारी चीजें अब फिनिश हो चुकी हैं ऐसे लगता है, लेकिन जो भी है वक्त बदलते देर नहीं लगती। वैसे भी इंडस्ट्री का टॉप है, तो देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाए, वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हो जाए। अभी तो बाइनेंस अपने ही वॉल्यूम के लिए थोड़ा सा जद्दोजहद कर रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि वो मीम कॉइन्स को भी जल्दी जल्दी लिस्ट करें, क्योंकि मीम कॉइन्स में ही थोड़ा सा लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं जो छोटे अमाउंट के साथ आते हैं। देखिए जिसके पास अमाउंट ज्यादा है वो मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट बहुत कम करता है, या करता भी है तो बहुत ही छोटे टाइम के लिए प्रॉफिट लिया और अपना बाहर हो गया। उसको फंडामेंटली स्ट्रांग चाहिए या बीएनबी इथेरियम या अपना बीटीसी चाहिए। इसके अलावा वो मीम कॉइन्स में देखिए तभी घुसता है जब कोई हाइप क्रिएट होती है, बस उसी टाइम पर उसने एंट्री किया, एक मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला और बाहर हो गया। तो उनकी तो बात ही खैर अलग है, लेकिन यहाँ हम जो छोटा इन्वेस्टर है और आज उसी की हम बात कर रहे हैं कि भाई आखिर कौन कौन से ऐसे हैं जो लिस्ट हो सकते हैं आने वाले वक्त में। गारंटी किसी की नहीं है, मीम कॉइन्स है, 101% रिस्क हमेशा इनमें रहता है। तो पहला है आपने देखी सब बेबी डॉज। तो बेबी डॉज के ऊपर देखिए मैं पहले ही आपको एक वीडियो बना के कल ही दे चुका हूं, तो मे भी उससे आपको वो सारी बाइनेंस वाली सिचुएशन उसकी क्लियर हो ही गई होगी। तो इसलिए अब बेबी डॉज की कहानी अब आप आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। अगला जो टोकन रखेंगे वो हम रखेंगे देखिए वोल्ट इनू को। इसमें भी संभावनाएं देखिए अच्छी लगती हैं, हो भी सकता है, ऐसी नहीं कि नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 69 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है। उसमें से वेरीफाइड कॉइन गीको के कॉइन मार्केट कैप के अनुसार 54.7 ट्रिलियन सर्कुलेशन में जा चुकी है, जो एक तरह से वेरीफाई है कैप के अनुसार। मार्केट कैप भी देखिए जो डायल्यूटेड मार्केट कैप है वो आपका जो है 29 मिलियन के आसपास है। देखिए अभी मार्केट कैप भी कम है, मेन चीज है कि मार्केट कैप जिनमें अभी कम होगा वही टोकन एक अच्छा परफॉर्म आगे करेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट कैप को दूना होने में जिनका कम होता है उनमें कम समय लगता है, कम मेहनत भी लगती है, लेकिन जिनका ऑलरेडी मान लीजिए बिलियंस में 20 30 50 बिलियन हो चुका है, तो उनका देखिए फिर 80 मान लीजिए 40 बिलियन है तो 80 बिलियन होने में टाइम लगेगा, तो ये इसमें थोड़ा सा आप रख सकते हैं। दूसरा इसमें अभी भी जो है कुछ ऐसे एक्सचेंज हैं जो मेन मेन अभी रह गए हैं। देखिए इसमें मेन तो हम देखिए जब बाइनेंस की बात कर रहे हैं तो बाइनेंस पर ही मेन है कि हमारा अभी बाइनेंस ही इसमें नहीं है। 36 एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर ये कंफर्म है कि सब ये लिस्ट हो चुका है, बाकी इसमें अभी बड़े एक्सचेंज बाकी है। तो यहां की मार्केट में और टोकन आया है वो है एनालॉस, यानी कि ANALOS एनालॉस। आप शायद जाना पहचाना इसको नाम लग रहा है ना, हाँ, सोलाना को उल्टा कर दीजिए, जो सोलाना लिखा हुआ है उसका उल्टा कर दीजिए, एनालॉस होता है, ठीक है। यह भी कहीं ना कहीं जो है सोलाना बॉम्ब को ही फॉलो कर रहा है, जैसे आपने देखा कि भाई बॉम्ब एक तरह से सोलाना के इकोसिस्टम के ऊपर ही आया था, वैसे ही आपका ये उनका टोकन नहीं है। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, एनालॉस सोलाना से कोई लेना देना उस तरीके से नहीं है जैसे बॉम्ब जुड़ा हुआ है। तो ये भी भाई बॉम्ब भी देखिए कहीं ना कहीं उन्हीं की टीम के साथ ही किसी का था, ऐसा नहीं कि उनकी टीम कहीं बैकग्राउंड से जुड़ी हुई जरूर थी, लेकिन एनालॉस के साथ देखिए ऐसा नहीं है। एनालॉस प्रॉपर एक अलग ही टोकन है और कहीं ना कहीं सोलाना की ब्लॉकचेन को फॉलो करता है, बस ये मान लीजिए। अब यहां इसके साथ भी देखिए केवल कितनी 100 बिलियन की इसकी सप्लाई है, ओनली 100 बिलियन। सर्कुलेशन में भी इसकी जो है लगभग 100 बिलियन जा चुकी है। तो अब ये अभी कॉइन मार्केट कैप के अनुसार देखिए वेरीफाइड नहीं है, लेकिन जो ये दिखा रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि पूरी की पूरी सर्कुलेशन में जा चुकी है। तो इसका भी कहीं ना कहीं चांस जो है अच्छा बनता है बाइनेंस पे आने का, क्योंकि आजकल देखिए बाइनेंस पे वही टोकन ज्यादा आ रहे हैं जो कम सप्लाई के साथ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉल्यूम लेके आ रहे हैं, तो ये एनालॉस भी मुझे लगता है कि मे भी ऐसा हो सकता है। दूसरा, किसी भी बड़े एक्सचेंज पर अभी इसकी लिस्टिंग नहीं है, बिट्रू पर है, रेडियम पर है, जुपिटर पर है, केवल इन्हीं पर इनकी जो है अभी लिस्टिंग है, सारे बड़े एक्सचेंज बाकी हैं।
टोटल, यहां तक कि छोटे एक्सचेंज भी अभी सारे बाकी हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी में आया है। और देखिए आजकल बाइनेंस का भी भरोसा नहीं है, हो सकता है इसको भी कहीं वो लिस्ट कर दे, जैसे बॉन्को को कर दिया उसी लिए, क्योंकि सोलाना से लिंक है इस वजह से। अगला टोकन रहेगा साहब पाइथ नेटवर्क, यानी कि पाइथ के बारे में देखिए कई बार आपको जो है चर्चा इसके बारे में कर चुका हूं, और कई बार आपको ये रिकमेंड भी किया है। तो देखिए पाइथ में जो अभी जो सीन है वो देखिए, रेट्स तो आप देख ही रहे हैं, अप एंड डाउन जैसा भी है चल ही रहा है, लेकिन यहां देखिए जो इसकी मैक्सिमम एक्सचेंज लिस्टिंग है वो लगभग हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी बहुत से एक्सचेंज ऐसे हैं जो इसमें भी रह गए हैं, कई टॉप के मैं बता रहा हूँ, टॉप के अभी रह गए, नीचे तो देखिए छोटे छोटे तो ऑटोमेटिकली कर ही देते हैं, तो इसमें भी बाइनेंस अभी रह गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है, बाइनेंस जब चाहे इसको भी लिस्ट कर सकता है। इसकी टोटल सप्लाई जो है वो लगभग लगभग 10 बिलियन के आसपास है, तो देखिए सप्लाई बहुत कम है, 10 बिलियन में से आप ये इसकी जो है सर्कुलेशन में सप्लाई लगभग जो है 1.5 बिलियन के आसपास जो है सर्कुलेशन में जा चुकी है, तो अभी इसकी सप्लाई देखिए वैसे काफी बाकी है, कि वो 10 बिलियन काफी होता है, और लगभग 1.5 बिलियन के आसपास जो अभी सर्कुलेशन में है, तो यहाँ जो सप्लाई फिर भी बहुत कम है, आप ये कहो सप्लाई इसमें ज्यादा ऐसा नहीं है, सप्लाई कम है, मार्केट कैप भी इसका जो है ठीक ठाक है, लग भी जिसके मार्केट कैप ऑलरेडी कम है तो उनके बढ़ने में कोई बहुत ज्यादा टाइम लगता भी नहीं। अभी इसका जो मार्केट कैप है ये मान लीजिए 539 मिलियन के आसपास है, तो उसको देखिए बिलियंस में कन्वर्ट करना इसके लिए आसान रहेगा, बजाय जिसका ऑलरेडी बिलियंस में है, ट्रिलियंस में है, तो ट्रिलियंस में तो देखिए अभी कोई पहुंचा ही नहीं है, पूरा मार्केट कैप ही है, तो बिलियंस में जो है उनके लिए भी बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। तो यहां देखिए इसका मार्केट कैप अभी भी इस लायक है कि उसको डबल किया जा सकता है, तो देखिए पाइथ भी इसके आप इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए टोकन तो बहुत हैं, आप ये कहो टोकन कमी है, कमी कुछ नहीं है, टोकन बहुत है मार्केट में, क्योंकि अभी रिसेंटली जो नए नए आ रहे हैं उन पे ही देखिए लोगों का फोकस भी ज्यादा है, क्योंकि वो तुरंत कुछ ना कुछ वॉल्यूम जनरेट करके दे रहे हैं, तुरंत ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना के दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का फोकस ही उसी पर रहता है। जैसे कि देखिए पेपे पहले आ गया और गया, उसके बाद पेपे के नाम से ही कितने पेपे आ गए, अभी पेपे टू ने देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया, उसके बाद एक बॉब है बीओबी, उसने भी देखिए कितना बढ़िया भी रिटर्न दिया, इससे पहले वो XEN था, तो देखिए ये क्या है रिसेंटली आए, एक अच्छा इन्होंने हाइप बनाई और फिलहाल थोड़े से कहता प्रॉफिट देके थोड़े ठंडे हो चुके हैं। तो क्या है कि आप जो नए टोकन से भी आ रहे हैं ना उन पे भी थोड़ा सा फोकस रखिए, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही रिस्की टोकन हैं, बहुत ही रिस्की, मैं फिर आपसे दोहरा हूं रिस्की है 101%, अगर कहीं प्रॉफिट दिया तो आपको आपकी कैलकुलेशन से ज्यादा दे देंगे, और अगर ये डूबे तो हो सकता है आपने 150 200 या 1000 2000 लगाए हों उनको जीरो भी कर दें, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा इनमें कोई भी इन्वेस्टमेंट डालने से पहले। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, केवल ये था कि हाँ बाइनेंस में जो टोकन लिस्ट नहीं है जिनकी उम्मीद हो सकती है कि जल्दी से ये लिस्ट हो भी जाए, तो मे बी जो ये मेरा ओपिनियन था, आप बता सकते हैं कि और कौन कौन से टोकन ऐसे हैं जो लाइन में हैं जिनको बाइनेंस जल्दी अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर सकता है, तो जरूर कमेंट में ये चीज जरूर शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नमस्कार।